गर्लफ्रेंड? हाँ तुम्हारी? हाँ हाँ मेरी गर्लफ्रेंड। चलो मान लिया, मानने में क्या है, मान लेता हूँ मैं बिल क्लिंटन हूँ, टॉम क्रूज हूँ, आर्नोल्ड शिवाजी नगर हूँ। हाँ, होने को क्या नहीं हो सकता। कल ही खबर थी कि एक औरत ने बकरे के मुंह वाले बच्चे को जन्म दिया है। यानी मेरी गर्लफ्रेंड होना इतना बड़ा अजूबा है? अरे नहीं, औरतों ने आजकल बड़ी तरक्की कर ली है, बड़े बड़े हिम्मत काम कर रही है वो। अरे बड़े रईस बाप की बेटी है, उसका बाप पेरिस में ब्रेकफास्ट लेता है, लंदन में लंच और न्यूयॉर्क में डिनर। बताओ लड़की का बाप क्या करता तो है? फिर वो एयरलाइंस में जरूर स्टूवर्ड होगा। नहीं नहीं, सिर्फ फाइव स्टार में ही खाना खाता है। हाँ जरूर, फाइव स्टार होटल में वेटर होने का ये तो एडवांटेज है, जब जाओ फाइव स्टार होटल में खा लो। अरे क्यों तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो? सुनो दोस्त, तुझमें उड़ाने लायक और रह गए आनंद, अच्छा मौका है, आज अपनी मोटर बाइक मुझे दे सकते हो, मैं अपने रिच गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर लूंगा। तेरी हरकतों से तो ये लग रहा है कि तू उसे इम्प्रेस कम और इम्प्रेस ज्यादा करने वाला है। फोन उठा, फोन उठा। सुन जो, रूसी का फोन हो तो कह देना मैं चला गया। हेलो, आनंद है ही नहीं यहाँ, अभी चला गया। क्या? हाँ ओके आनंद, ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ रहा है, तुम्हारा बॉस तुम्हें ढूंढ रहा है। ओ माय गॉड, मुझे देर हो रही है, मैं फौरन नहा कर आता हूं। आनंद आनंद नहीं, अरे मुझे बोलना है। आनंद मोटरसाइकिल नहीं। बेचारा बोनी। प्रिया भाभी, मार्केट से क्रेडिट पर मुझे एक रिंग दिलवा दो। अरे मार्केट से क्यों, मेरे पास कितनी अंगूठियां हैं, एक रख लेना। प्रिया भाभी, मैं तुम्हें रिंग के पैसे बाद में दे दूंगा। अरे मैं बेच नहीं रही हूँ। क्या? हाँ, अगर वो लड़की वाकई तुम्हारे साथ सीरियस हो तो। यानी तुम ये रिंग मुझे गिफ्ट दे रही हो? अरे तुझे नहीं, तेरी होने वाली बीवी को दे रही हूँ। मैं तुम्हें कितना तंग करते रहता हूँ ना। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, भाग यहाँ से। बाय प्रिया भाभी। आई कितना चालू है। नमस्ते रोशन जी। ए, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? है मक्खी मिठाई पर क्यों भिनभिनाती है? बकवास बंद करो। एक शेर अर्ज करता हूँ। मुझे नहीं सुनना। देखिए रोशन जी, मैंने आपके लिए गुंडागर्दी छोड़ दी है और शायरी शुरू की है, और ये शेर तो आपकी अमानत है। ओके जल्दी 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 सुनाओ। बंद कर दिया है मैंने दिल के सारे दर और खिड़कियाँ, बंद कर दिया है मैंने दिल के सारे दर और खिड़कियाँ, बस रोशन के लिए एक रोशनदान बाकी है। इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे परेशान कर रहा है। हवलदार हवलदार परेशान कर रहा है, अभी देखता हूँ क्या। एक मिनट, इस मौके पर एक शेर याद आ गया। तरक्की का जमाना है रोशन, पहले तेरे आशिक पर उंगलियां उठती थी, अब डंडे उठते हैं। तेरे क्या बात है। हवलदार साहब, आप यहाँ मुशायरा सुनने आए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने? अरे मुझे क्या मालूम, मालूम है। आप जाइए, मैं देखता हूँ। चल। माफ करना हवलदार साहब, मुझे जेल में नहीं आना है। अबे वो अच्छा खाना बनाने वाला चाचा जेल के किचन में वापस आ गया, चल। एक मिनट, इस मौके पर एक शेर याद आ गया। सुना यार, सुना। किसी तरह से बुझा लेते हैं हम दिल की आग को। दिल की आग, चल। किसी तरह से बुझा लेते हैं हम दिल की आग को, स्नान करते हैं तेरा नाम लेकर। हाय रे हाय मेरे मिर्जा गालिब, तू ना यार सच। इधर आओ रे। आनंद का मोटा बॉस उसे पिकअप करने जा रहा है, यही अच्छा मौका है। सर आपने मुझे पहचाना? तुम पैसा उधार मांगने आए हो? नहीं सर। तो फिर पहचाना। एक इमरजेंसी आ गई है। क्या हुआ, आनंद को एक्सीडेंट हो गया? नहीं सर, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है और उसे हॉस्पिटल ले जाना है। तो मैं क्या करूं भाई, मैं बहुत धमाल में हूं। सर, इस वक्त मेरा दोस्त और उसके मृत्यु के बीच सिर्फ आप है सर। तो मैं क्या करूं इसमें? सर आप मुझे कार उधार देंगे? नहीं, क्या है एम्बुलेंस वालों की स्ट्राइक चल रही है। तो मैं तुमको कार उधार दूं तो मैं ऑफिस कैसे जाऊं? हॉस्पिटल पहुंचने के पहले मेरे दोस्त ने दम तोड़ दिया, तो पश्चाताप के मारे आप सो नहीं पाओगे। इसको नींद बहुत कम आती है। नहीं ये ले लो, ये लो, गाड़ी लो और तुम्हारा दोस्त को लेके। थैंक यू सर। ये गधेरा क्या करता है, मैं दम तोड़ूंगा नहीं। इडियट, सारा सवार सवार में हैरान करा मैंने, कौन निकला? हाय पॉप्सी। हाय। पापा कहाँ है? पापा जोधपुर में। जोधपुर में? वो क्या है ना कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, इसलिए पापा को हर जगह साथ लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तुम्हारे पापा के बारे में नहीं, अपने पॉप्सी के बारे में पूछ रही थी। ओहो, तो आपके एक पापा भी हैं? लेकिन वो यहाँ क्या करने आने वाले हैं? वो यहाँ के MD है। MD? यानी आप मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर की बेटी है? लकी फादर। अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव हैं? इजाजत है। आप बहुत ही
अट्रैक्टिव है। कितनी बार कहेंगे? मतलब कि आप हैं ही इतनी अट्रैक्टिव। थैंक यू। आप मेरा नाम जानना नहीं चाहेंगी? ऐसे ये सब नाम मुझे याद नहीं रहते, लेकिन कहना है तो कह दीजिए। ठीक है, मेरा नाम है कुंवर प्रेम सिंह। मेरे दोस्त मुझे प्यार से प्रेम कहते हैं, आप भी कहिए ना। ओके प्रेम, नाइस नेम। थैंक यू। क्या आपने कभी लव एट फर्स्ट साइट के बारे में सुना है? हाँ सुना है, लेकिन क्या आपने कभी सॉरी नो वैकेंसी के बारे में सुना है? क्या है? ठीक है, मैं भी देखता हूँ ये सॉरी नो वैकेंसी का बोर्ड कब तक लटका रहेगा। अरे सर, आप पैदल जा रहे हैं। क्या करूं, तुमको क्या दिखाई देता है, हवा में उड़ रहा हूं क्या मैं? नहीं सर, आपकी गाड़ी खराब हो गई। अरे मेरा भेजा खराब हो गया था, फिर भी आप गाड़ी चला रहे थे? नहीं नहीं, वो तुम्हारा लबार पेइंग गेस्ट दोस्त है ने, वो मिला उसके पहले मैं गाड़ी चला रहा था। बोनी, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, आपके पास कब पहुंच गया? गर्लफ्रेंड को मिलने को गया? देखो कितना लबार है, हमको बोलता है कि दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा गाड़ी दो गाड़ी दो। टुकड़ा खेल गया ना आप पे बाप। मेरा मतलब सर, आपको बेवकूफ बना दिया ना उसने, आपकी गाड़ी ले गया ना। सर मुझे भी सवेरे से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था आनंद अपनी मोटरसाइकिल निकाल, अपनी मोटरसाइकिल मुझे दे, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना है। आई एम गोना गेट अ किक आउट ऑफ इट। अच्छा, किक आउट ऑफ इट, गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने का है? मेरी गाड़ी लेके गया, हमको बेवकूफ बना, आने दे उसको। सर, यू डोंट गेट एक्साइटेड, मैं अभी उसको पकड़ के लेके आता हूं। वन मिनट, नो मंकी बिजनेस प्लीज। इधर ही खड़ा रहो, किधर नहीं जाने का है? देखो वो कुंवर प्रेमनाथ है ने, हमारा ऑफिस में राह देखता है, चलो ऑफिस में जाए। चलिए सर। क्या कहते कौन ना बापनी दिवाली टैक्सी, क्या 200-300 रुपीज हो जाएगा? तो आप देंगे ना सर? जरा भी नहीं, ऑफिस के मेरा बाप क्या है क्या? तो फिर कैसे चले सर? एक ब्रिलियंट आइडिया है, देखो तुम तुम्हारा मोटर बाइक निकालो, तुम चलाओ, हम तुम्हारी पीछे बैठेगा, तुमको पकड़ के बहुत मजा आएगा। सर मोटरसाइकिल में आप मुझे पकड़ के बैठेंगे तो किसको क्या मजा आने वाला सर? मजा तो जनता को आएगा, जनता तो यही कहेगी ना कि देखो देखो आनंद सिन्हा थाली में पपीता लिए चला जा रहा है। पपीता? ओहो चिकू चिकू। नहीं सर, चिकू चिकू तो बहुत बड़ा है, मेरा मतलब नींबू से था। सर रहने दीजिए, आप थोड़ा कंफ्यूज दिख रहे हैं, ऐसा करते हैं कि हम लोग टांगों की सवारी करते हैं। अच्छा घोड़ा गाड़ी? गट गट गट। घोड़ा गाड़ी नहीं सर, ये जो है ना सर, हाथ नहीं लगाओ रास्ते के ऊपर, विचार करो। सर मेरे कहने का मतलब था, भगवान ने जो हमें टांगे दी है ना उसकी सवारी करते हैं। आप अपनी टांगों पे चलिए, मैं आपकी पीठ पे उछल कर वेदाल की तरह बैठ जाता हूं। जा भी नहीं, नथिंग फिजिकल अबाउट दिस, प्लीज आई एम टेलिंग यू, साथ में चलो, तुम तुम्हारी टांग पे चलो, मैं मेरी टांग पे चलूंगा। ए रोशु डार्लिंग, तुम्हारे प्यार में मुझे रात भर नींद नहीं आती, क्यों ना हम शादी कर ले? क्यों? ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। लेकिन बोनू डार्लिंग, अगर मैं ये कहूं कि मेरी सारी दौलत डूब गई है तो? उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे लिए मेरा प्यार रत्ती भर भी कम नहीं हो सकता। बट बोनू डार्लिंग, मैं अपने आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? तुम्हारे प्यार में मुझे रात भर नींद जो नहीं आती है। वैसे तो मुझे भी मच्छरों की वजह से रात भर नींद नहीं आती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं मच्छरों से प्यार करती हूँ। वो सब छोड़ो ना, अपनी आंखें बंद करो। क्यों? प्लीज प्लीज, और अपना हाथ आगे करो। हाँ। आंखें बंद, आंखें बंद। अब आंखें खोलो। वाह, इट्स अ ब्यूटी। लेकिन ये तो, ए, तुमने इसे कहाँ से खरीदा? खरीदे नहीं, ये मेरे भाभी ने तुम्हारे लिए दी है। ओके, तो अपनी भाभी से पूछना ये कहाँ से खरीदी। अरे लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है, ये अंगूठी देखकर तुम्हारे मन में सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि ऐसी ही अंगूठी मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को दी थी। एक्स बॉयफ्रेंड? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी था? ऑफ कोर्स बोनू डार्लिंग, तुम क्या समझते हो, तुमसे मिलने से पहले मैं मक्खियां मारती थी। क्या 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 नाम क्या था उस एक्स बॉयफ्रेंड का? You mustn't be knowing him. वो तुम्हारी तरह high society का नहीं है। हाँ, फिर तो नहीं जानता होगा। फिर भी क्या नाम था उसका? आनंद सिन्हा। बोनू डार्लिंग, तुम उसे जानते हो? नहीं, नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अच्छा हुआ तुम उसे नहीं जानते। क्यों? प्रॉब्लम हो सकती थी, मैं उसे अभी तक भुला नहीं पाई हूँ। बोनू डार्लिंग, क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो घर चलते हैं। हाँ हाँ, मैं तुम्हें मेरी कार में लिफ्ट देता हूँ। वो तुम्हारी कार है?
हाँ, क्यों? बहुत टाइम देखी हुई लगती है। हाँ, मेरा मोटा मैनेजर इसे चलाते रहता है, एकदम लबाड़ है। लबाड़? ये वर्ड भी बहुत सुना हुआ लगता है। हाँ, आजकल यही वर्ड चलता है, लबाड़। चलो चलो, मैं तुम्हें लीव देता हूँ, चलो चलो। इश्क मेरा रंग लाया वो प्रिया। हाय आनंद। हाय। एक बात बताओ, तुम कितने हैंडसम हो। क्या 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 तुमने क्या कहा, मैंने ठीक से सुना नहीं। मैं ये कह रही थी कि तुम कितने बदमाश हो। सुन लिया था ना, फिर रिपीट करने के लिए क्यों कह रहे थे? क्योंकि उसकी रिपीट वैल्यू कितनी है। हाँ, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते। मैं ये पूछ रही थी, तुम इतने हैंडसम हो तो कोई लड़की तुम्हें लाइन नहीं मारती? हाँ मारती है, लाइन मारती है, क्रॉस मारती है, टिक मार्क मारती है। मारती है ना? बल्कि मारती है। मारतीज है? हाँ, बहुत सारी है ना। लेकिन मैंने उन सब से कह दिया कि सिर्फ प्रिया मेरी बीवी है, बाकी तुम सब मेरी बहन हो। अच्छा बोनी। आनंद एक बात बताओ, रोशन नाम की तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी? रोशन? कैसी रोशन? कब की रोशन? कहाँ की रोशन? किधर की? या नहीं बताओ। ए, तू पागल तो नहीं हो गया? कहीं सपने के बीच में सूद उठ के नहीं चला बावला कहीं का? अरे आनंद मैं सीरियस हूँ, उसी रोशन के साथ मैं शादी करने वाला हूँ। और हाँ, उस रोशन ने बोनी से ये भी कहा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अरे प्रिया, ये लड़कियां तो फेंकती रहती है और मेरे जैसे हैंडसम मर्द के साथ अपना नाम जोड़ते रहना चाहती है। लेकिन एक बात बताओ, मैं तुम्हें छोड़ के सबसे प्यार करता हूँ, मतलब। बस 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 बोनी, एक बात बता, क्या वो लड़की तुमसे प्यार करती है? पता नहीं, लेकिन उसने कभी एडमिट नहीं किया। कोई बात नहीं, तुम्हारे इस प्रॉब्लम का मेरे पास हल है। अरे हल क्या मेरे दोस्त, बैल भी है। प्रिया, मैंने तुम्हें वो एक परफ्यूम दिया था ना। कौन सा? पॉइजन? हाँ, वो जहर लाके इसे दे दो, उसके लिए ये अमृत साबित होगा। ओके, मैं अभी लाती हूँ। थैंक यू आनंद, थैंक यू, थैंक यू। कोई बात नहीं, और सुन, तू जरा कमरे में मेरे साथ चल ना, जरा खोपचे में तुझे गुरु मंत्र दूंगा। हाँ चल चल चल। नहीं नहीं आनंद, नहीं 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 नहीं। लेकिन पैसे वाला है। पढ़ा लिखा है कि नहीं? नहीं, नॉट मच, लेकिन पैसे वाला है। और नौकरी धंधा करता है कि नहीं? ढूंढ रहा है। ढूंढ रहा है, लेकिन पैसे वाला है। अच्छा, समझी गयो। इन शॉर्ट, जंपिंग ऑन पप्पा। लेकिन उसका पप्पा क्या करता है? उसका पता नहीं ए? लेकिन पैसे वाला है। बुलाओ नहीं अभी तुम्हारा वो पैसे वाला बॉय को अंदर बुलाओ, अंदर। हेलो, बोनी को भेज दो। रोशन, मैं इतना खुश हूँ कि तुमको एक पैसे वाला लड़का मिल गया है। तुमको मालूम नहीं है कि पैसे का कितना कीमत है, रियली। अरे नोई चटर, उसको बराबर टू टू एंड टू पहचानता हूँ। अरे ये तो आनंद का वो लबाल और कर का पेइंग गेस्ट है। अरे मिलियनर कौन्ना बापनो, हमको अभी याद आया, वो दिन हमको जुल्लू बनाकर हमारी गाड़ी लेके गया। क्यों? हमारी डिग्री को उल्लू बनाने के लिए। हमारी गाड़ी थी लबाड़। अभी मुझे समझ में आया कि मैंने आनंद को जो गिफ्ट्स दी थी वो मेरे पास रिबाउंड में कैसे वापस आई, रिंग एंड परफ्यूम। अरे मुझे क्या मालूम था ये तुम्हारे पापा है। देखो देखो, अभी मालूम हुआ कि मैं पापा हूँ, कि पूरा जिंदगी तुमको बेवकूफ बनाता रहता है। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे जा जा गधेड़ा, प्यार करता है। जाता हूँ जाता हूँ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। गेट आउट, गेट आउट। डोंट वरी दिखा रोशनी, डोंट वरी, ऐसे लबार के लिए आंख पानी नहीं करना। नहीं जरा भी। आई डोंट वांट टू यॉल एनीथिंग, आई गो। हेलो कुंवर प्रेम, ना अभी तुम एनी टाइम इधर आ सकते हो, सीट खाली हो गया। रोशन। क्या है? रोशन, स्पीड 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 स्पीड। एक नजर इस तरफ भी उठा कर देखो, बिजली अपने हुस्न की हम पर भी गिरा कर देखो। मुर्दा नहीं, मुर्दा नहीं है ये बदन आशिक का। आओ आओ तो जरा हाथ लगा कर तो देखो। दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। बोनी, तू शराब पी के आया है? शराब क्या चीज है, मैं अपने खून के आंसू पी कर आ रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे तू? वो
ऐसी बातें कर रहा हूँ जैसे रिजेक्टेड आशिक को करनी चाहिए। लगता है रोशन के फादर ने इसे रिजेक्ट कर दिया, मगर क्यों? मेरे पास कुछ नहीं, पैसा नहीं, बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, इज्जत नहीं, शोहरत नहीं, खुश नहीं। नहीं मोनी नहीं, दिल छोटा मत करना। अरे और भी लड़कियां मिलेंगी, इनफैक्ट उसे भी बेटर लड़की मिलेगी तुझे। हाँ कब मिलेगी? तब तक शराब पी पी कर मेरा लीवर फट जाएगा। अरे छोड़ दे, दे। मधु तुम भी तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हो ना? हाँ हूँ। तो तुम्हारे वक्त में कोई कुंवर प्रेमना था क्या? बिल्कुल था, हमारी फैकल्टी में ही था, बहुत चालू चीज। चालू चीज मतलब? स्टूडेंट लाइफ में ही दो दो बीवियां थी उसकी। तो मेरा भी बाप निकला है बचपन से ही। अच्छा ये बताओ, जिसकी दो दो बीवियां होती है वो क्या वो चालू होते? और नहीं तो क्या, तुम्हारे जैसा लल्लू थोड़े ना रख सकेगा दो बीवियां। मैं तो बहुत सीधा हूँ, सीधा गाय हूँ, गाय, आई एम अ गुड गाय। बुरा मान गए। अच्छा ये बताओ, ये कुंवर प्रेमना कहाँ से टकरा गया तुम्हें? अरे यही तो है जिसकी वजह से हमारे बोनी का फ्यूचर एकदम डार्क डार्क सा हुआ जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये वही रईस है जिसके साथ रूसी अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है? और रूसी कुंवर प्रेमनाथ के दौलत के अलावा और कुछ देख ही नहीं रहा है। तो उसे बताओ ना, उसकी एक बीवी उसे छोड़कर चली जा चुकी है और दूसरी का तो पता ही नहीं। पर वो मेरी बात पे कहां यकीन करने वाला है? ठीक है, तो मैं कुंवर प्रेमनाथ का नकाब हटाकर उसका असली चेहरा रूसी के सामने रख दूंगी। कैसे कैसे? मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। तुम्हारे दिमाग में? हाँ मेरे दिमाग में। क्या मतलब? मतलब तुम्हारे दिमाग में। फिर आओ सुनो। आपने मुझे यहाँ किसी जरूरी काम के लिए बुलाया था? That's right. देखो हमें गोल गोल बात करना नहीं आता है, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। पॉइंट सर? तुमने हमारा बेटी रोशन को देखा? देखा सर, बहुत ही खूबसूरत है, यकीनन माँ पर गई है। उसकी माँ बड़ी बदसूरत थी, और हमारी यह इच्छा है कि तुम्हारी शादी हमारी बेटी रोशन से हो जाए। बड़ा ही नेक ख्याल है सर। सर उसके नाम पर इस कंपनी के शेयर्स वेयर्स तो होंगे ही? नहीं नहीं, पूरी कंपनी उसके नाम पे चल रही है। वेरी गुड, फिर तो हमारा कारोबार और भी बढ़ जाएगा। हमारा मतलब शादी के बाद मेरा और आपका मिलकर हमारा ही हो गया ना? तो फिर ये रिश्ता पक्का? बिल्कुल। मेरे पिताजी कहते हैं कि बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए दो चीजें बहुत ही जरूरी है, एक तो सच्चाई और दूसरी होशियारी। सच्चाई कैसे? सच्चाई यानी जिसे जब कोई जबान दो तो उस पर अटल रहो। गुड, वेरी गुड, बहुत नेक विचार है। और होशियारी? और होशियारी ये कि कभी किसी को जबान ही ना दो। I must say, you are absolutely fit for my son, huh? I'm sorry, for my daughter. Slip of the tongue. मैं चलता हूँ सर, मेरा एक जरूरी अपॉइंटमेंट है। जाओ 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 बेटी जाओ। बेटी? I'm sorry, जाओ बेटे जाओ। क्या हो रहा है? मैं बहुत स्लिप हो रहा हूँ। हाय प्रेमनाथ। हाय 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 हाय, वही मस्तानी अदाएं, शराब की प्याली जैसी आंखें, बिजलियां कड़कती तन बदन में। ओ प्रेम, तुम्हारी बदमाशी अभी तक गई नहीं। खुद तो हजारों कोहिनूरों की तरह चमकती हो, और हम जो तारीफ करते हैं तो बमकती हो। अरे ये तो शायरी हो गई। आराम से, आराम से। क्या बात है, मस्का लगा तो कोई तुमसे सीखे। मस्का नहीं, सच, बहुत हसीन लग रही हो। सच? बड़े रोमांटिक मूड में हो, क्या बात है, दूसरी वाली भी छोड़कर भाग गई। हमें ये लड़कियां छोड़ सके, इन लड़कियों में दम नहीं, हमसे ये लड़कियां हैं, हम इन लड़कियों से नहीं, समझी? अरे मैंने भगा दिया उसे। भगा दिया क्यों? भाई देखो ना, तुम्हारी जैसी कोई खूबसूरत लड़की मिले तो इंसान जिंदगी भर ये इल्लत किल्लत जिल्लत और जितनी भी लत है ना सब झेल भी ले, बाकी की इन लड़कियों को मैं झेल नहीं पाता हूँ। So sweet. वैसे यहाँ किस सिलसिले में आए हुए हो? भाई मैं आया तो था यहाँ बिजनेस के लिए, मगर वो जो मोटा सेठ है ना वो मुझ पर लट्टू हो गया, वो चाहता है कि मैं उसकी बेटी के साथ शादी कर लूं। अच्छा तो आखिर फंस ही गए ना शादी के बंधन में। अरे भाई हम तुम्हें क्या कोई फंसने वाले दिखते हैं? भाई मोटा सेठ मालदार है, उसकी बेटी भी पटाखा है। अच्छा? कुछ दिन पटाखा जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे, माल अंदर करेंगे और नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। वो क्या है ना, हुजूरे वाला आधा वर्ष है,
आप क्या है ना, यहाँ खड़े खड़े नमस्ते करने की बात कर रहे थे, तो हमारे जहन में भी यह ख्याल आया कि लगे हाथ नमस्ते कर ही लिया जाए। आप कौन है? हम आपके एक्स गर्लफ्रेंड के पुराने शोहर हैं। शट अप आनंद, मैं कभी इस गधे की गर्लफ्रेंड नहीं थी। गधा? आपसे कुछ कह रही है? नहीं, आप ही से कह रही है। आप जो भी है, आपने मेरी बेबी की जिंदगी बचा ली। थैंक यू। क्या मतलब, आपने आपकी बेटी की शादी मेरे साथ करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया? जी हाँ, जी हाँ। और अब हम आपको मैं सामान ड्रॉप करें शहर के म्यूनिसिपल लिमिट्स के बाहर। जरा आप अपना रुख उधर कीजिए, हम आपके पीठ पीछे कुछ गुस्ताखी करने की इजाजत चाहते हैं। बॉस, ये कहाँ पर मारा? अभी मालूम पड़ा चौकस जगह क्या है। सर, मुझे आपसे एक जरूरी काम था। जल्दी पठाओ, जल्दी। क्या मैं आपके बेटी का हाथ मांग सकता हूँ? नहीं, आई एम सॉरी, सिर्फ हाथ नहीं, मंगता है तो टोटलिटी में पूरा बेटी ले रहा हूँ। कैसा बेटा? सॉरी सर, मैं समझ रहा था आपके बेटी के हाथ के साथ उसकी बाकी बॉडी भी अटैच है। कैसा था जो? कम करो भाई, हमको एक चीज बताओ कि शादी के बाद तुम आनंद के साथ रहने वाले हो कि शिफ्ट होने वाले हो? शिफ्ट होने वाला हूँ सर। सर, मैंने पहले से ही सोच रखा था, शादी के एक दिन पहले अपना सारा सामान आपके घर पे शिफ्ट कर दूंगा। तो तुम घर जमाई बनना चाहते हो? यस सर, वही हमारे खानदान की ट्रेडिशन है सर। कांग्रेचुलेशन सर। सर सर, इस खुशी के मौके पर मैं आपके लिए खास इंग्लिश लेके आया हूँ, एकदम गर्मा गर्म ब्लैक हॉट डॉग। आई ना सर, बहुत अच्छा कसम से, देखिए इतना ही समय ने मारा, एकदम फुल टाइट हो गया। मजा करते हैं। जब इतना खर्चा करने का क्या काम है? खर्चा कहाँ है सर, आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं, अच्छा अच्छी लगती है, और कोई और पिलाता है तो बहुत अच्छा लगता है, और इधर भी अच्छा लगता है। किधर से लाए? वही से सर, जहाँ से आप लाते हैं। वो अडारू वाला? हाँ, अडारू वाला। सस्ता दिया क्या? वो सब तो पता नहीं सर, आप ही के खाते से लेके आ गया। अच्छा, मेरे खाते से? सर, मैं सर, सर लेकिन बेटी के बाप भी तो आप ही हैं ना सर। मगर ये मगर मगर कुछ नहीं सर, खुश हो जाइए कि आपके बेटी की शादी के रास्ते से इतना मोटा, कितना मोटा, आपके जितना मोटा कांटा निकल गया। और मेरे जैसा होना मिल गया। अभी शादी का मुहूर्त निकालना। निकाली निकाली सर। तुम दोनों किधर से आया? फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन से? पप्सी, मैंने गुलशन से ट्रायल बेसिस पे शादी कर ली है। ओह माय गॉड, लेकिन ये वारंटी पीरियड वाला दूल्हा तो एकदम शक्ल से ही लफड़िया दिखता है। वो जैसा भी है सच्चा प्रेमी है। लुच्चा प्रेमी है। मैं इसी के साथ खुश रहूंगी। इसी के साथ खुश रहूंगी तो इधर क्यों आया? चाक मारने के लिए? ससुर जी, शादी तो कर ली लेकिन रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए आपके पास चला आया।